ताजमहल है, बाबा जयगुरुदेव का मंदिर देख लो, अभी बाद में देखेंगे। ईसाई नहीं है, हिंदू ही है। अब ये क्या आ गया? ये आ गया तुम्हारा, जब भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाया था ना। अच्छा अच्छा, ब्रह्म घाट बोलते हैं। अच्छा, ये सुधा मैया ने मुंह खोल के भाई दिखाओ मुंह खोल के क्या खाया है। जब कन्हैया आ गए थे वहाँ से चल के, तो मैया ढूंढती आई। हाँ, इस जगह पे भगवान कृष्ण ने मिट्टी खा रहे थे, जमुना किनारे बैठे हुए, जमुना किनारा है। अच्छा अच्छा, ये वो जगह है। मैया ने देखा ऐसे करके मुंह फड़वाया पकड़ के यहाँ से, देखा क्या खाया है तूने, मिट्टी खाया। जब उसने मिट्टी खाया तो मुंह फाड़ा ना, कन्हैया ने पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया, पूरा हम तुम सब उसी के अंदर थे। पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे गया हम उनके पेट में। हाँ, हमें भी चोगी थी ना पुल से। हाँ, मिट्टी खाई थी जमीन से उठा के ऐसे करके, समझ रहे हो, ऐसे खाया ना उन्होंने। तो मैया आई देखती देखती तो उन्होंने मुंह फड़वाया तो उन्होंने कहा कि क्या खा रहे हो, मिट्टी खा रहे हो। तो मुंह पकड़ के फाड़ा ना तो पूरे ब्रह्मांड दिखाई दे गया था, पूरा संसार। हाँ, नहीं, यह ब्रह्मघाट जहाँ कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी, माया सूदन ने उनका मुंह खोल के दिखाया था। अभी बताया ना जो हमारे साथ थे उन्होंने, भाई पूरा ब्रह्मांड दिखाई उनके मुंह में दिखाई दे गया था, यह ब्रह्मघाट। पहुंच गए अंदर में, ये वहीं वापिस गए हैं। राधा कृष्ण की 60 रुपया, 100 रुपया दूगो, दो नाई चला 60 का एक। श्री ब्रह्मांड बिहारी मंदिर गोलोक धाम। ते पंडित जी मिलते कौन कौन सी हैं, कौन कौन बैठे हैं विराजमान हो रहे हैं, अष्टभाव युक्त पुष्प भगवान को प्रश्न करने वाले। क्या नाम है इनका? कहाँ? वो ही तो करी मैं, नीचे तो शालिग्राम है, ये अलग अलग रूप में। हाँ, अलग अलग रूप में, और ये ऊपर नहीं पता ना ये कौन कौन बैठे हैं। शालिग्राम पर होती लख हुआ जिस तरह इन्होंने कर। आ जाओ आ जाओ, ये ब्रह्मांड कुंड है, चलो नीचे चलते हैं, हाथ पैर धोते हैं। देखो सब स्नान कर रहे हैं, हम हाथ पैर धोएंगे बस। सारे व्यूअर्स आ जाओ, आप भी नहाओ तो ब्रह्मांड कुंड में, किसी किसी को मिलते हैं ऐसा देखने के लिए। देखो ब्रह्मांड कुंड ये गोकुल में ही पड़ता है जहाँ कृष्ण जी ने मिट्टी खाई थी। ये गोकुल में 5 कदम के पेड़ हैं, ये पहला पेड़ है, मैं आपको दिखाती रहूँगी भाई कितने दिखाई देंगे, एक ये और दूसरा वो। चलो यहाँ से निकलते हैं, आगे देखते हैं हमें और क्या दिखाते हैं। राधे राधे। यशोदा मैया ने नहीं बांधा था, ओखली से बांधा था ना, धान कूटते उससे। हाँ हाँ हाँ, श्री ओखल बंधन प्राचीन मंदिर। मैचिंग कपड़े सूट ले लो।
पहले वो पांच परिक्रमा करना और भागवत का फल प्राप्ति होगा वहाँ पर। पहले वो पांच परिक्रमा करना और राधेश्याम पांच परिक्रमा करना है वहाँ पेड़ का उद्धार किया था। अच्छा ये वो वही पेड़ है, पेड़ से बांधे थे हाँ, ये ओखला वन है जहाँ माँ यशोदा ने नंदी ने कृष्ण जी को बांधा था। छोटे थे जब वे नटखट थे ना, शरारते करते थे, तो इस पेड़ में उन्हें बांध दिया था। बोलो गोविंद लुगा, जोड़े से आए जोड़े से माथा लगाओ, जब दोनों एक रहेंगे कभी झगड़ेंगे नहीं। हाँ झगड़ा करते रहोगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। सब लोग ढोक दे लो, प्रणाम कर लो, हमारे घर में कृष्ण भक्ति देना, सुख शांति देना, और जो कोई सेवा बने तो यहाँ भगवान का भेंट कर लेना। जैसे राम नाम में रहते, तुम तो देखो ऐसे फोटो वाले कृष्ण को जानते हो। हाँ अभी यहाँ तुम्हारे जैसा कृष्ण यहाँ मिल जाए, हाँ तुम तो उसे प्रणाम नहीं करोगे। ऐसा समझोगे जैसे वहाँ पैसे मांगने वालों को देख जाएगा। इसीलिए इसको साधन बताए कि यहाँ चोटों को टाइम नहीं मिले, वो जल्दी भर जाए अपने आप। यहाँ प्रभुदा मैया ने भगा दिया था और मुझे तुम्हें भगाने की जरूरत नहीं। यहाँ नंद का घर 7 किलोमीटर बड़ा था। बैठने से तो तीरथ निष्फल हो जाता है, वो पैसे मांगने वाले बजाते हैं, तो उनको पैसा कमाना है। मुझे पैसा की जय, काम की जय, जिसकी वजह से विष्णु जी ने व्रत को स्थापित किया था। व्रत 84 अंगों से था और ये शरीर तुम्हारा 84 अंग है, जैसे गुरु आदि जो केंद्र बात ने बनाए ये सब नहीं अपना है। बस ऐसी जय 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 दुकानदारों से भक्ति मिलने वाली कभी मिलने वाली नहीं। पैसे मांगने वाली बैठे आइए, 500 रुपए भरो, 1000 रुपए भरो। ये नारद जी ने और यहाँ किसी को बढ़िया ने बांधा तो 9 लाख गाय की 80 कम पड़ जाती थी। यही चतुराई बुद्धि फेल हो गई थी तुम्हारी, हो रही है तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम समझ जाओगे तो कोई बड़ी बात नहीं। इसीलिए इसको साधारण रखा है कि सोने का मंदिर होती है, सबको टाइम मिलता है, सबका मन करता है कि हमको 2-4 मिनट मिल जाए। ये सोना है, एक ही साथ होगा दर्शन सबको। आज 84 अंगुल 84 को गोकुल का ही केंद्र है और तुमको यहाँ आने से सबको यहाँ कृष्णा में देख लिया है। तो तुमने किसी को तुम तो फोटो वाले को जानते हो। आगे बढ़ो थोड़ा सा, ये 84 को ब्रजमंडल का ये गोकुल नाभि केंद्र है, जो ब्रजमंडल की शुरुआत यहाँ से हुई। जैसे नाभि में प्राण रहते हैं, ये विश्व का नाभि केंद्र है। यहाँ प्राणनाथ हर पल में वास करते हैं गोविंद गोकुल में। और ये उखर बंधन है, देखो नंद का घर ऐसा था जो 7 किलोमीटर बड़ा घर था नंद का। यहाँ छोटे छोटे डिब्बे बना बना के लूटमार चल रही है, ड्राइवर पंडे गाइड लोग वहाँ लुटवा के यहाँ लाते हैं। और देखो कहीं ने इस्कॉन मंदिर पे ऊपर हाथ करो सब लोग, सबको थोड़ा हिंदी बोल रहा है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तुम हमारे हो, इसलिए हम आए हैं, इसलिए हम आए हैं। कृष्ण दामोदर जगत के बंधनों से यही जगत के बंधन है कि भगवान के नाम पे वहाँ लूट मचा रखी दलाली आए कमीशन है वहाँ पर। बोलो जम बंधन, मेरे पूर्वज यहाँ नहीं आ पाए हो, यहाँ नहीं आ पाए हो, मेरे आने से कृष्ण मात्र से बंधन मुक्त करना दोबारा आने का अवसर खास तरीके से ही देना। खास का मतलब जानते हो, सीधे पहले यहाँ आना, पहले वहाँ ठगों से मिलके नहीं आना, बुद्धि खराब हो जाना तो भगवान को पहचान नहीं पाना।
इसका ऐसे परिक्रमा करना, इसका पानी फैलाना नहीं, ये आंखों में डालना। जो चोरी बेईमानी से खाना खाते हैं वो ठगों में फंसते, भगवान तक नहीं पहुंचते, और पहुंच भी जाते हैं तो उसे पहचान नहीं करते। परिक्रमा करो, प्रणाम करो। आज समय में कोई बंडा नहीं, मुझे बंडा नहीं मिलती है। मैं तुमसे मिलने खड़ा हूँ और तुम मुझे मिल नहीं पाओगे। क्यों? तुम और ठगों में फंसे आई हो तो यहाँ भी एक उखल बंधन है। फिर उद्धव जी ने कहा ये दर्शन कराए, अंदर जाओगे तो बैठना पड़ेगा, नहीं पीछे से पहुंचा वहां से जाने। फोटो बाहर लेना, फोटो बाहर लेना। गर्भ गृह मंदिर नहीं।